हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैब ब्लॉग सीरीज में। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मेरी गाड़ी का पहला सर्विसिंग है और मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर से ऊपर चल गई है और इसको मैं लेकर जा रहा हूँ सर्विस सेंटर यामाहा का। इस आपने अभी मेरा पिछला वीडियो में बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्यार दिखाया और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे आप सभी लोग। गाइस, मैं अभी अपने घर से निकल चुका हूँ और अभी इधर से बाजार ताड़ होते हुए काके रोड जाना है और काके रोड जाने के बाद यामाहा सर्विस सेंटर जाना है। फिर वहाँ से गाड़ी को अपना सर्विस पे सर्विसिंग के लिए देना है। गाड़ी पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि पहली सर्विसिंग है और इसमें ज़्यादा कुछ करवाना नहीं है। सिर्फ मोबिल चेंज वगैरह होगा, वॉशिंग वगैरह होगा, ज़्यादा तो कुछ करवाना नहीं है। गाइस, काके रोड में निकल चुका हूँ और इधर से जा रहा हूँ यामाहा सर्विस सेंटर और वहाँ पर जाने के बाद से एकदम क्या बोलते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिलहाल तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है गाइस, गाड़ी चलाने में ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, सिवाय ब्रेक मारता हूँ तो थोड़ा फंसता है वो बताना होगा और चेन लूज़ हो गया है, थोड़ा चेन टाइट करवाना होगा और फिर मोबिल वगैरह चेंज होगा, नॉर्मल सर्विस होगा, वो सभी करवाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ गाइस अपनी MT15 का कुछ अच्छा सा नाम है तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या नाम रखना सही होगा इसका। कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका नाम क्या रखें, कुछ अच्छा सा नाम आप लोग भी सजेस्ट कीजिए। देखिए गाइस, मैं अभी चांदनी चौक पहुंचने वाला हूँ और यहाँ से चांदनी चौक के थोड़े दूर के आगे जाके राइट में मुड़ना है और उधर से फिर यामाहा सर्विस सेंटर आ जाऊँगा। मैं चांदनी चौक पार करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मामू होंगे पुलिस तो दिक्कत हो सकती है मुझे। और देखिए गाइस, सामने में मामू खड़े हुए हैं और उधर से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मैं साइड से निकल गया क्योंकि गाड़ी का पेपर भी अभी मुझे मिला नहीं है, आज ही ले लूँगा। लाइसेंस तो है मेरे पास लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सभी पेपर होना ज़रूरी है गाइस। देखिए गाइस, इधर से हमको राइट मोड़ना है और इधर से जाने के बाद फिर सीधे जाना है हमको। यही है गाइस काके डैम की तरफ जाने वाला रास्ता। कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस मैं अपनी बाइक का नाम क्या रखूं। मैं भी सोचता हूं कुछ अच्छा नाम अपने बाइक के लिए और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए गाइस, कितना खतरनाक टर्निंग है यहाँ पे। आगे ये देखिए गाइस, ये है यामाहा सर्विस सेंटर। यामाहा सर्विस सेंटर तो अभी खुला नहीं है, पता नहीं ये कितने बजे तक खुलेगा, तो मुझे यहीं पे वेट करना होगा अभी और मैं यहीं पे वेट करता हूँ और देखता हूँ कितने बजे खुलेगा ये। देखिए गाइस, ये है मेरी MT15, इसी की आज पहली सर्विस है और मुझे इसको सर्विस करवाना है आज।
चैनल का नाम हम लिखवा लिए है कैप ब्लॉग सीरीज़, और आप सभी इसको सब्सक्राइब करें। गाड़ी दे चुके हैं यहाँ पे, मेरी गाड़ी पीछे लगी हुई है और एक घंटा लगेगा यहाँ पे। एक घंटा के बाद उनकी गाड़ी मिल जाएगा सर्विस होने के बाद, उसके बाद हम लोग लेकर जाएंगे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो अंदर आके बैठा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी सर्विस लगेगा, उसके बाद मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी में सर्विस हो रही है सामने में, इधर जाना अलाउड नहीं है। थोड़ा देर में फिर मेरे को मेरी गाड़ी मिल जाएगी और यहाँ वेट करना पड़ रहा था, ज़्यादा काम नहीं है। गाड़ी मेरी वॉशिंग होने के लिए गई हुई है और वॉशिंग होगा और उसके बाद फिर हमको गाड़ी मिल जाएगा और वॉशिंग होने के बाद फिर अपना गाड़ी लेकर जाएंगे। सर्विस सेंटर यही गाड़ी सर्विस होता है। अब सो गाइस, गाड़ी सर्विस हो गया है और यामाहा शोरूम से भी अपना इंश्योरेंस पेपर ले लिए है। इधर से सीधे घर जाएंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, एक डेढ़ घंटा सर्विस सेंटर में बैठना पड़ गया, अब बहुत ज़्यादा ही देर हो गया है गाइस। और बारिश होने जैसा मौसम भी हो रहा है, पूरा बादल काला कर दिया है। ये ऑटो वाला लोग ऐसा चलाता है ना, पता ही नहीं चलता है कि कब किधर कैसे रोकेगा वो लोग। देखिए गाइस, चांदनी चौक भी पहुंच चुका हूं मैं, और चांदनी चौक के बाद फिर इधर से मामू है और इधर से मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी। तो मामू खड़ा था गाइस वहां पे, साइड से निकल के मेरे को आना पड़ गया। और यही अगर मैं धीरे धीरे चलता तो मुझे पकड़ लेता वो। वैसे डरने का कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे पास सभी पेपर है, आप गाड़ी भी अपना ही है, तो फिर डर किस बात का है गाइस। गाड़ी भी अब मेरा सर्विस हो चुका है और गाड़ी भी अच्छा स्पीड में भाग रहा है, और अब व्लॉग बनाने में मज़ा आएगा गाइस। देखिए गाइस, गाड़ी कितने की स्पीड में चल रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में, स्मूथ लग रहा है। अब बारिश भी शुरू हो गया है, बूंदाबांदी पानी पड़ रहा है, जल्दी से जल्दी घर जाना होगा गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सब कि मैं अपने बाइक का नाम क्या रखूं। मुझे तो कुछ कुछ नाम पता है, लेकिन आपसे सजेशन लेना ज़रूरी है गाइस, आप सब सजेस्ट कीजिए कि क्या नाम रखना सही होगा गाड़ी का। चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे मेरे को ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो गया है और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी में शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बारिश बहुत तेज़ हो गई है।